जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके 26 फरवरी 2024 में आयोजित हुआ वीकली टेस्ट का आंसर्स की देखने वाले हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट का है। तो सभी एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रश्न पूछा गया था और इसका सही उत्तर क्या था? तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, इनमें से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? विकल्प यहाँ पे दे रखा है, तांबे की छड़, प्लास्टिक पैमाना, ऊन वस्त्र या फूला हुआ गुब्बारा। तो सही उत्तर यहाँ पर था बच्चा, तांबे की छड़, अर्थात ए विकल्प एकदम सही था। दूसरा प्रश्न पूछा गया, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रश्न मैंने कल ही करवाया था और ये सारे प्रश्न मैंने करवाए थे बच्चा। यदि आपने कल वाली लाइव क्लास देखी हो, जो मैंने क्लास 8 का इंग्लिश और यहाँ पर विज्ञान के लिए, उसमें सभी प्रश्न आए हैं। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आप सभी प्रकार के प्रश्नों को सही किए होंगे। आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश है ना, प्लस का ऋण आवेश और माइनस का। ये सभी मैंने करवाए थे, तो सही उत्तर होगा बी, दोनों। तीसरा प्रश्न पूछा गया, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन्हें हम सामने लाएंगे तो ये दोनों चिपकेंगे, यानी इन दोनों के बीच आकर्षण होता है। आकर्षण पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो तीसरे का सही विकल्प ए था। ओके बच्चा, चौथा प्रश्न पूछा गया, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम और कांच में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? समान आवेश, असमान आवेश, कोई आवेश नहीं या कहाँ नहीं जा सकता? तो इसमें असमान आवेश उत्पन्न होता है। चौथे का सही विकल्प बी था, ठीक है। पांचवा प्रश्न पूछा गया, भूकंप का मापन किया जाता है, भूकंप का मापन हम किसे करते हैं? भूकंप तरंगों के द्वारा, भूकंप लेखी के द्वारा, अग्निशामक यंत्र के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर था बच्चा, भूकंप लेखी के द्वारा। भूकंप लेखी के द्वारा हम भूकंप का मापन करते हैं और ये जो दिखता है वो रिक्टर स्केल पर दिखता है। सबसे अधिक 7 से 7 या उससे अधिक का जो भूकंप है वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, द्वितीयक प्रदूषक हैं CO2, SO2, NO2 या सल्फर एवं नाइट्रोजन। इसका सही विकल्प डी था, सल्फर एवं नाइट्रोजन। सातवां प्रश्न पूछा गया, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? ठोस कण, तरल कण, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? यहाँ पर सही उत्तर था दोनों, है ना, ठोस और दोनों का यह बादल होता है एरोसोल। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर था दोनों, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, CO2 भी है और मीथेन जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं वो भी है। फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? यदि आप फ्लोराइड युक्त जल पियोगे तो कौन सी बीमारी का शिकार होगा? तो यहाँ पर दे रखा है विकल्प, चर्म रोग, पागलपन, फ्लोरोसिस या फेफड़ों का कैंसर। तो यहाँ पे सही विकल्प सी था, फ्लोरोसिस। वायु के प्रमुख प्रदूषक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड या इनमें से सभी? सही विकल्प यहाँ पे डी था, इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया बच्चा, भूकंप से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताएं। यदि आप ऐसे इलाके में हो जो कि भूकंप ग्रसित है तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहला, यदि आप किसी जंगल में हैं तो हम छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लेंगे, बड़े वृक्ष के नीचे आश्रय नहीं लेंगे। यदि घर के अंदर हैं तो किसी टेबल या फिर किसी टेबल या के नीचे हम छिप जाएंगे या फिर घर के कोने में छिपेंगे। और यही 3 उपाय लिखना था। स्वेटर को अपने शरीर से उतारने पर चट चट की ध्वनि सुनाई क्यों देती है?
तो यहाँ पर आपको किसके कारण, तो पहले विकल्प में यहाँ पे दे रखा, पहले ऑप्शन आवेशित होने के कारण, ये आवेशित होता है इसलिए। विश्व तापन से आप क्या समझते हैं, तो पृथ्वी का तापमान का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है, जिसके कारण यहाँ पर ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, तो वायु में प्रदूषक तत्व जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं, वायु को स्वच्छ नहीं बनाते हैं, उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारक हो जाएंगे यहाँ पर फैक्ट्रियों से धुआं निकलना, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा रेफ्रिजरेटरों द्वारा। इसके अलावा आप लिख सकते हो जो कार चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, उसके धुआं से, ये सभी वायु प्रदूषण के कारक हैं। जल प्रदूषण को कम करने के लिए उपायों को लिखें, कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो पहला है कि अवशिष्ट पदार्थ को नदी नालों में नहीं पड़ाना, नालियों के विकास के लिए सुविकसित नालियों का निर्माण करना। ओके, ये सभी आप लिख सकते थे। सब्जेक्टिव प्रश्न मैं इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि सब्जेक्टिव का अलग, सभी उत्तर सभी को अलग लिखना है। यदि एक ही लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण क्या है, इसके आप कारक अलग अलग लिखिए, अलग अलग बच्चे लिखेंगे तभी तो थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक। तो ये आपके प्रश्न पूछे गए और ये था आपका उत्तर। शानदार सा, धन्यवाद बच्चा।